दोस्तों बाहुबली मूवी के डायरेक्टर जो है एसएस राजमौली और उनका परिवार जो है कोरोना पॉजिटिव के शिकार हुए हैं। घर में क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है, जो हेडलाइन से चलिए पूरी हम डिटेल पढ़ के बता देते हैं। बाहुबली फिल्म डायरेक्टर एसएस राजमौली एंड फैमिली टेस्टेड कोविड-19 पॉजिटिव। बाहुबली फिल्म डायरेक्टर जो है एसएस राजमौली और उनका परिवार जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। राजमौली और उनका परिवार घर पर ही क्वारंटाइन व्यवस्था किए गए हैं। ये जो न्यूज़ आए हैं india.com की वेबसाइट पे आए हैं। चलिए सारी जानकारी मैं आपको बताते जा रहा हूँ, अब ध्यान से देखते जा रहा है। बाहुबली का डायरेक्टर एसएस राजमौली और उनके परिवार मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजमौली के ट्विटर पे बताया है कि उनके परिजनों को कुछ दिन पहले बुखार आया, दवाई लेने पर के बाद फीवर कुछ कम हुआ, लेकिन उनका कोरोना टेस्ट का फैसला किया गया। जैसे कोरोना टेस्ट हुआ तो राजमौली ने बताया कि टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव है और डॉक्टरों की सलाह पर वह परिवार के साथ घर में सेल्फ क्वारंटाइन हो गए हैं। फिल्म मेकर के मुताबिक अभी उनके परिवार में किसी को भी लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, हालांकि वे सरकार के सभी नियमों का तहत जो है सावधानी बरत रहे हैं। प्लाज्मा डोनेट करने की उम्मीद भी बताई है कि राजमौली ने बताया कि फैमिली मेंबर्स पूरी तरह ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि वे प्लाज्मा डोनेट करेंगे ताकि दूसरे लोगों की मदद हो सके जो इस वायरस से जूझ रहे हैं। देखें फिल्म मेकर का ट्वीट क्या है, चलिए वह भी हम जान लेते हैं। पत्नी और बेटी के साथ रहते हैं राजमौली। बता दें राजमौली हैदराबाद में अपनी पत्नी रामा राजमौली और बेटी एसएम म्यूखा के साथ रहते हैं। फिलहाल यह साफ नहीं है कि उनके बेटे एसएस कार्तिक के और बहू पूजा प्रसाद के उनके साथ है या नहीं, लेकिन जो खबर आई है कि उनके जो राजमौली जी है और उनका सारा परिवार जो है कोरोना पॉजिटिव के चपेट में आ चुके हैं और उनका जो क्वारंटीन की व्यवस्था की गई है वो घर पे ही की गई है। तो जितना न्यूज़ आया था आज मैं इस वीडियो में बता दिया हूँ, आगे जो भी न्यूज़ आती है तो मैं इस वीडियो में बताते रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मेरे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।